सो गाइस एमपी में सब इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है ये गाइस, काफ़ी सारा वैकेंसी तो नहीं बता सकते, बहुत ही कम वैकेंसी है। सो हम एक एक करके सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, जो भी बच्चे के मन में डाउट होती है जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम डेट सैलरी वगैरह वगैरह, सो काफ़ी सारे खास करके बच्चे के मन में डाउट होते हैं, मैं वो सारा कुछ आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, सब्सक्राइब इसलिए कर रहे हैं कि मैं कई सारा जॉब अपडेट भी दे आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ अवेलेबल होता है मैं वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। देख मैं कल या परसों एक वीडियो और लाऊंगा उसी एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें मैं बताऊंगा कि इसमें आप लोग जॉब लगने के बाद क्या काम करवा देगा उसको बताऊंगा। सो बेसिकली आप लोग ये डिप्लोमा एंड एलिजिबल है, वो डिप्लोमा सिविल वाले बच्चे एलिजिबल है, एंट्रप्रेन्योर वाले बच्चे एलिजिबल है, अदर बच्चे आप लोग जा सकते हैं एंड लाइक जरूर करके दें एंड अपने मित्र को भी शेयर जरूर करें अगर आप डिप्लोमा एंट्रप्रेन्योर से। सो देखते हैं वीडियो। सो ये कुछ आप लोग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फीस का बात करें तो 560 रुपये, चाहे आप लोग जनरल हो चाहे अदर स्टेट से हो, एंड 310 रुपये। और इसके अलावा कुछ और भी आप लोग कॉमेंट कुछ पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कॉमेंट वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने का, या 2-3 दिन में ये भी वीडियो बना के आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। सो ज़्यादा कमेंट होगा तो आज ही रिप्लाई दूंगा, कम कमेंट होगा तो जब तक 10-15 कमेंट हो तब तक रिप्लाई मैं नहीं दूंगा। एक बार बता दें 28/9/2020 तक ये एप्लीकेशन डेट आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा एंड 12/10 तक ये एप्लीकेशन चलेगा एंड सो कम टाइम है, तो गैस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करें, क्योंकि टेक्निकल वाले बच्चे ऑल इंडिया कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेक्निकल ही एक ऐसा एग्जाम है, बाकी अदर जो होता है नॉन टेक्निकल उसमें बच्चा मतलब जाना नहीं पसंद करता, बट टेक्निकल के लिए बच्चा कहीं भी जा सकता है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है। सो कुछ ये आप लोग का देख सकते हैं, सो एग्जाम डेट यहाँ पे 9 और 10 दिसंबर 2020 है, बहुत ही कम टाइम बचा है, सो आप लोग पढ़ाई भी जारी रखें एंड 1/1/2020 को आप लोग 18 से 40 सीएफ हो जाना चाहिए। और इसमें अगर बात करें तो जनरल वाले के लिए 35 है, सब इंजीनियर सिविल का है वैकेंसी एंड देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबल 3 ईयर डिप्लोमा एंड सिविल ड्राफ्ट 9 वाले बच्चे एलिजिबल है। अगर आपके फ्रेंड एंड मित्र हैं तो उन्हें भी शेयर करें। ये कुछ आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो आप देख सकते हैं, जो काम का और जो फैक्ट बात है वो मैं बताऊंगा, बाकी फिजूल की बात मैं बताना अच्छे नहीं समझूंगा क्योंकि जिसे आप लोग को भी था समझ आए। एग्जाम 2 चरणों में होगा, बाकी हर चीज़ यहाँ पे आप लोग का दे रखा है, 7 से 8 बजे आप लोग का होगा यहाँ पे, और ये आपका बात करें 9 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, बिल्कुल 3 घंटा का चलेगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह टाइम है 2 से 3 चरण, 12 से 1 बजे तक होगा। और वैसे हम उसमें बात करें यहाँ पे, सो ये कुछ आप लोग का सिलेबस है जो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सिलेबस ब्रीफली में डिस्कशन किया गया है यहाँ पे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी एंड गणित एंड आप लोगों को जो टेक्निकल युग है वो भी आप लोग का पूछा जाएगा, 100-100 नंबर का दोनों कुछ होगा एंड ये आप लोग का क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होगा एंड 3 समूह में बटा होगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सो वैसे एक बात मैं बता दूँ कि देखो आप लोग अगर एमपी के एग्जाम दे दे तो एमपी से रिलेटेड जीके जरूर आएगा एंड उनका कुछ कल इंटरव्यू भी आएगा, तो वहाँ के बारे में आप लोग कुछ आइडिया होना चाहिए, बाकी अगर आपका टेक्निकल मजबूत है तो कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि टेक्निकल ऑलरेडी मजबूत होना चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, बाकी आप लोग का नंबर स्कोर करेगा, आप लोग का अगर बात करते रीजनिंग स्कोर कर सकते हैं एंड अगर बच्चा का मैथ वीक है तो मैथ अगर वीक है तो देन उसका जीके अच्छा होना चाहिए, देन एलिजिबल है, देन अच्छा हो सकता है, बाकी हिंदी और इंग्लिश आप लोग का अगर थोड़ा थोड़ा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, इंग्लिश थोड़ा कम आएगा, हिंदी कुछ कम आएगा, ये दो, बाकी इस दोनों का पर्सेंट कुछ अच्छा होने वाला है। सो वैसे अगर हम बात करें बाकी इसमें नॉर्मलाइजिंग मार्क्स भी होगा, अगर सिलेबस की बात करें जो आप लोग देखते हैं नॉर्मलाइजिंग वगैरह, बाकी सिलेबस का आपका जो आप लोग का टेक्निकल सिलेबस है एंड वो आप लोग सिलेबस कवर कर सकते हैं, जो आपका डिप्लोमा है तो वो सिलेबस कवर कर सकते हैं, बाकी जीके के लिए और बात करें यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें डिग्री में बहुत बच्चा का मैसेज आता है, देखो वैसे बात करें जीके का आप रिसेंट ले सकते हैं जीके के लिए एंड मैथ के लिए राकेश यादव या कोई बेसिक ले सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन अगर याद रखें, डिप्लोमा का एग्जाम हमेशा बेसिक लेवल पर होगा, सो बेसिक बेसिक पढ़ सकते हैं, कोई सा भी आप प्रेफरेंस कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप आर्यन का कोई यूज कर सकते हैं, उसका रीजनिंग आप ले सकते हैं जो, या आप एसएससी जेई का प्रिपेयर कर मोर देन सफिशियंट है, और हिंदी के लिए भी आप आर्यन का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश नीतू मैडम का यूज कर सकते हैं, अगर उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, उस मोर देन सफिशियंट डिप्लोमा में भी किया हूँ गाइस, बट मैं मैकेनिकल ब्रांच हूँ, ठीक है। सो और मैं अगर बात करूँ, हम बात करें कटअप कितना तक जा सकता है, देखो गाइस कटअप का अगर बात करें तो आपका अगर हम बात करें लास्ट ईयर कटअप तो मेरे पास अपडेट नहीं है क्योंकि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अपलोड है, तो मैं अपने मन से कैसे बता दूं, तो यहाँ पे आप लोग का 70% जरूर लाइएगा, देन जनरल वाले बच्चे हैं क्योंकि आप लोग का इतना सेफ जोन नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग अगर इससे कम है तो 65 70 के बीच में तो वहाँ तक तो चलने लायक है, अगर उससे कम है तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा हिम्मत टूटने के चांस हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सो कुछ ऐसा होना चाहिए। और सैलरी का अगर बात करें तो यहाँ पे जरूर इसमें हमें मेंशन होगा, मैं बता दूँ जेई का सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में आप लोग का सैलरी बन जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखें, और ऊपर वाली इनकम भी है, इसमें मुझे नहीं बताना चाहिए, इसमें काफ़ी अच्छा इनकम भी है।
कुछ ये सब था, इसके अलावा भी कुछ और भी आप लोग के मन में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ एग्जाम कब तक हो जाएगा, एग्जाम इसका 3 से 4 मंथ लगेगा आपका एग्जाम होने में, अगर हर चीज़ सही रहा तो देन आपका एग्जाम तारीख में हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा लेट या पहले तो नहीं होगा बट थोड़ा सा लेट हो सकता है, कुछ ये आप लोग आपका हो सकता है। इसके अलावा भी आप लोग के मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे एंड एक दो वीडियो और इस एग्जाम से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करूँगा, सो आप लोग उसमें बता दूँगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और मित्र और कंपनी को शेयर करती है।